वेलकम टू आवर चैनल बिजार्ड माइंड। आज हम लेके आए हैं बजट का पार्ट बी, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो प्रपोजल था उसका एम था जो प्रमोट करेगा एक्सपोर्ट को, जिससे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है एनहेंस डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन और एनकरेज करेगा ग्रीन एनर्जी एंड मोबिलिटी को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जैसे कि अप्रत्यक्ष कर जो प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था कि निर्यात को बढ़ावा देगा, घरेलू विनिर्माण में बढ़ोतरी करेगा, घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा और हरित ऊर्जा और हरित गतिशीलता को प्रोत्साहित करेगा। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर जो था विद फ्यूअर टैक्स रेट, कुछ कुछ जो रेट टैक्स थी हेल्प करेंगी, रिड्यूस करेंगी कंप्लायंस बर्डन एंड इम्प्रूविंग टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। इसमें प्रपोज किया गया था रिड्यूस करने का द नंबर ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट्स ऑन गुड्स अदर देन टेक्सटाइल एंड एग्रीकल्चर फ्रॉम 21 to 13। एज अ रिजल्ट देयर आर माइनर चेंज इन द बेसिक कस्टम ड्यूटीज सेसिस एंड सरचार्जेस ऑन सम आइटम इंक्लूडिंग टॉयज बाइसाइकिल्स ऑटोमोबाइल एंड नफादा। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ कुछ इसमें दे रखा है कि कर दरों की संख्या में कमी के साथ सरलीकृत संरचना अनुपालन भार को कम करने और कर शासन प्रणाली में सुधार लाने में मदद करती है। वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बेसिक सीमा शुल्कों की संख्या को कम करके जैसे 21 से कितना 13 का प्रस्ताव किया है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ आइटम्स हैं जिनमें से जैसे कि है खिलौने हो गया यानी कि टॉयज और ऑटोमोबाइल्स बाइसाइकिल और नपाता, तो ये जो हमारे कुछ जो हैं इसमें सीमा शुल्क हैं जो इनके इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है कि कुछ वस्तुओं के बेसिक सीमा शुल्कों और उपकरों में अधिभारों में मामूली सा परिवर्तन हुआ, इनके मामूली सा परिवर्तन इनके किया गया है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं ग्रीन मोबिलिटी। ग्रीन मोबिलिटी के बारे में बता रखा है इसमें, तो ग्रीन मोबिलिटी का हम देख लेते हैं। इसमें टू अवॉइड कास्कैडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस प्रपोज टू एग्जेम्प्ट एक्साइज ड्यूटी ऑन GST पेड कंप्रेस्ड बायोगैस कंटेंट इन इट टू फर्दर प्रोवाइड इम्पेटस टू ग्रीन मोबिलिटी कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्पशन इज बीइंग एक्सटेंडेड टू इम्पोर्ट फॉर कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरी यूज इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। तो इसमें क्या है, जो मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस थी, जो मिश्रित कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस थी यानी कि ब्लेंडेड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें क्या करा गया था, इसमें ये किया गया था कि उसमें सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस, सो इसमें मिश्रित बायोगैस कंप्रेस्ड, ठीक है, इसमें जिस पर GST भुगतान किया गया है उस पर उत्पाद शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव किया है, तो उस पर इन्होंने क्या करा है, उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान करने के लिए। ठीक है, ये है कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ऑन ब्लेंड एंड कंप्रेस्ड गैस, एक्साइज ड्यूटी यहाँ से एग्जम्प्ट कर दी जाएगी। ठीक है, और उसके साथ ही साथ है कि जैसे बस ग्रीन मोबिलिटी के लिए उन्होंने क्या करा है, जिसको हम हरित मोबिलिटी भी कहते हैं, यहाँ पे ग्रीन मोबिलिटी आप देख सकते हो, ग्रीन मोबिलिटी इसमें दे रखा है हरित मोबिलिटी को और संवेग प्राप्त कर मतलब देने के लिए यानी कि इम्पेटस जिसे बोलते हैं संवेग गति देने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेल के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क में छूट दी जा रही है। यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो थी उसको एग्जेम्पशन किया है
इम्पोर्ट करा है जो गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन सेल, जिसको हम लिथियम आयन सेल बोलते हैं ना, उसके लिए फॉर बैटरीज यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या करा है कि लिथियम आयन सेल्स होती हैं जो यूज़ होती हैं बैटरी में, उनमें इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एंड मशीनरी रिक्वायर्ड जो की जाती है उसमें इन्होंने एग्जिबिशन दिया है कस्टम ड्यूटी के लिए। ठीक है, ग्रीन मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो उसके लिए। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कुछ टैक्सेस कम कर दिए हैं ताकि अब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पे आ जाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ वेरियस इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो इनिशिएटिव लिए हैं उनके रिजल्ट से, इंक्लूडिंग द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम इसमें है चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित सरकार के विभिन्न पहलों के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, भारत में जो मोबाइल फोन उत्पादन वर्ष 2014-15 करीब 18,900 करोड़ रुपए मूल्य के 5.8 करोड़ यूनिट से बढ़कर पिछले वित्तीय वर्ष में क्या हुआ है, ये बढ़ के हो गया है 2,75,000 करोड़ रुपए में चेंज हुआ है, एंड मूल्य के 31 करोड़ यूनिट तक पहुंचाया गया है। इसमें इनका यूनिट कितना है, पहले था 5.8 करोड़, अब हो गया है 31 करोड़। पे आप देख सकते हो ना, ये देखो 2014-15 में क्या हुआ था, जो वैल्यू थी इसकी अगर रुपए में बात करें तो 18,900 करोड़, ये था 18,900 करोड़ था, अब ये बढ़ के कितना हो गया है यूनिट, पहले से पहले तो 5.8 करोड़ यूनिट्स था, अब हमारा हो गया है 31 करोड़ यूनिट्स, जिसकी वैल्यू है लगभग 2,75,000 करोड़ इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, टू फर्दर डिपेंड डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, तो इसमें इन्होंने क्या करा है, मोबाइल फ़ोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन और बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या करा है, कुछ एक पुर्जों कैमरा लेंसों जैसे आदानों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क पर राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क को एक और वर्ष के लिए जारी रखना प्रस्तावित किया है। जैसे अभी इन्होंने क्या करा है कि इससे क्या होगा, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करने के लिए इन्होंने फर्दर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जैसे मोबाइल फ़ोन की होती है, तो इन्होंने प्रपोज किया है कि रिलीफ किया है कस्टम ड्यूटी से ऑन इम्पोर्ट ऑफ सर्टन पार्ट्स एंड इनपुट लाइक जैसे उनमें कैमरा लेंस लगता है मोबाइल में, एंड कंटिन्यू द कंसेशनल ड्यूटी ऑन लिथियम आयन सेल्स फॉर बैटरीज फॉर अनदर ईयर। ठीक है, तो लिथियम आयन बैटरी के लिए भी इन्होंने सपोर्ट किया है। उसके बाद में आते हैं सिमिलरली टू प्रमोट वैल्यू एडिशन इन मैन्युफैक्चर ऑफ टेलीविजन, अब मैन्युफैक्चरिंग टेलीविजन के भी है, उसमें भी वैल्यू एडिशन करने का जो है इन्होंने क्या करा है, रिड्यूस किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल्स ऑफ टीवी पैनल्स टू 2.5%। अब इनने यहाँ पे भी रियायत दी है, कितनी दी है, टेलीविजन निर्माण में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए टीवी पैनल के ओपन सेलों के पुर्जों में बेसिक सीमा शुल्क को घटाकर, जो बेसिक सीमा शुल्क था उसको घटा दिया, उसको 2.5% कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल में दूसरा है टू रेक्टिफाई इन्वर्जन ऑफ ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड एनकरेज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज, द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन इलेक्ट्रिक किचन चिमनीज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 7.5% टू 15% एंड दैट ऑन हीट कॉइल्स फॉर दिस इज प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 20% और 15%। तो शुल्क संरचना के व्युत्क्रम में दो सुधार करने के लिए और इलेक्ट्रिक जो रसोई घर में जो चिमनियाँ होती हैं यूज़ की जाती हैं के निर्माण को प्रोत्साहित देने के लिए इलेक्ट्रिक रसोई घर चिमनियों पर बेसिक शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 15% करने और उपकरणों के हीट कॉयलों पर आयात शुल्क को 20% से घटाकर 15% करने पर प्रस्ताव दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जो चिमनी है वो
उनमें कस्टम ड्यूटी जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है 7.5% से, उन्होंने कितना कर दिया 15%, और जो हीट कॉइल्स फॉर दीज इज प्रपोज टू बी रिड्यूस उसको कम कर दिया 20% से 15% कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा डबल यहाँ पे बढ़ा दिया है और यहाँ पे सिर्फ 5% कम किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। और केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स, दैट मीन रसायन और पेट्रो रसायन। रसायन उद्योग में डिचनई इथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। सो डीनेचुरल इथाइल अल्कोहल जिसे बोलते हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे डी नेचुरल इथाइल अल्कोहल, ये यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्री में। ठीक है, एंड इसमें क्या प्रपोजल रखा गया है, टू एग्जम्प्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी। इसमें बेसिक जो कस्टम ड्यूटी है उसको हटा दिया जाएगा। एंड दिस विल आल्सो सपोर्ट द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम है इसको ये सपोर्ट करेगा एंड फैसिलिटेट फॉर एंडेवर फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, और ये फैसिलिट करेगा एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। बेसिक कस्टम ड्यूटी इज आल्सो बीइंग रिड्यूस्ड, सो बेसिक कस्टम ड्यूटी भी इसमें आल्सो क्या की है, रिड्यूस की है। एसिड ग्रेड फ्लोरस पर फ्रॉम 5% टू 2.5, यहाँ पे भी हाफ रेट कर दी गई है, कम कर दी गई है। पहले कितनी थी 5% से, अब 2.5% पे जाया करेगा। टू मेक द डोमेस्टिक फ्लोरोकेमिकल इंडस्ट्री कम्पिटिटिव फर्दर, द बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन क्रूड ग्लिसरीन फॉर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फॉर इपीक्लोराइड इज प्रपोज टू बी रिड्यूस फ्रॉम 7.5% टू 2.5%। तो यहाँ पे बहुत सारा छूट मिल गया है। इसमें सीमा जो शुल्क रसायन उद्योग में जिसको डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल प्रयोग किया जाता है, पर इसमें बेसिक शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया है। इसमें इथेनॉल मिश्र कार्यक्रम में सहायता मिलेगी और ऊर्जा पारगमन के जो प्रयास है वो सुगम हो जाएंगे, और एसिड ग्रेड फ्लोस फॉर पर बेसिक सीमा शुल्क को भी 5% से कम करके 2.5% किया गया, ताकि घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग प्रतिस्पर्धी बने रहे। इसके अलावा क्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से कम करके 2.5% का प्रस्ताव किया है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले 7.5 था, अब इसको कर दिया गया 2.5%। मरीन प्रोडक्ट इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, सो पिछले वित्तीय वर्ष में समुद्री उत्पादों पर उच्चतम निर्यात समृद्धि दर्ज की गई, जिससे देश के तटीय राज्यों में रहने वाले कृषक को फायदा हुआ है। समुद्री उत्पादों में विशेष रूप से झींगी की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और बढ़ाने के लिए श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क को कम किया जा रहा है। ठीक है, सो दैट मीन इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर मरीन प्रोडक्ट रिकॉर्डेड द हाइस्ट एक्सपोर्ट। सो मरीन प्रोडक्ट ने सबसे हाइस्ट एक्सपोर्ट ग्रोथ बेनिफिटिंग, इससे फार्मर को बेनिफिट हुआ था इन द कोस्टल स्टेट ऑफ द कंट्री, जो कोस्टल एरिया में जो थे किसान। टू फर्दर एनहेंस द एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस फॉर मरीन प्रोडक्ट को कम्पिटिटिवनेस बढ़ाने के लिए, पार्टिकुलरली श्रिम्प्स ड्यूटी इज बींग रिड्यूस ऑन की इनपुट्स ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ श्रिम्प फीड। ठीक है, तो उसमें है, अब आता है लैब ग्रोन डायमंड्स। सो इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन कटिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ नेचुरल डायमंड्स। तो इसमें इंडिया हमारा क्या है, ग्लोबल लीडर है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप एक अच्छे समझ लीजिए। तो इंडिया है हमारा ग्लोबल लीडर है जो डायमंड्स की कटिंग करता है, पॉलिशिंग करता है जो नेचुरल डायमंड्स है उनके लिए। सो कंट्रीब्यूट करता है अबाउट 3/4 ऑफ द ग्लोबल टर्नओवर। अगर ग्लोबल टर्नओवर की बात करें तो 3/4 है उसमें, टर्नओवर वैल्यू में करता है सपोर्ट। विद द डिप्लीशन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ नेचुरल डायमंड द इंडस्ट्री इज मूविंग टूवर्ड लैब ग्रोन डायमंड्स। अब जो इंडस्ट्री है पहले जो थी नेचुरल डायमंड से मूव कर रही है, अब किसकी तरफ, लैब लैब में बना रहे हैं। तो एंड इट्स होल्ड ह्यूज प्रॉमिस, जिसमें आपके पास बहुत सारे ह्यूज प्रॉमिसेस हैं टू सीज दिस
अपॉर्चुनिटी, उसके लिए प्रपोजल रखा गया है किस चीज़ का, रिड्यूस द बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन सीड्स यूज इन देयर मैन्युफैक्चर। इसमें जो सीड्स यूज किए जाते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो जैसे भारत है जो ना प्राकृतिक हीरो की कटाई और तराशी के विश्व में अग्रणी रहा है, तो और उसके जो मूल्य की दृष्टि से वैश्विक कारोबार का करीब 3/4 हिस्से का योगदान करता रहा है, और प्राकृतिक हीरो के डिपॉजिट में कमी से ये उद्योग प्रयोगशाला निर्मित हीरो की ओर बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में काफ़ी संभावना है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए क्या करा है, इसमें विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं जो प्रीसियस मेटल्स हैं उनके बारे में। तो कस्टम ड्यूटीज ऑन डोर एंड बार्स ऑफ गोल्ड एंड प्लेटिनियम वर इंक्रीज अडियल दिस फिजिकल एंड नाउ प्रपोजल टू इंक्रीज द ड्यूटीज ऑन आर्टिकल्स मेड देयर फ्रॉम द एनहेंस द ड्यूटी डिफरेंशियल एंड आल्सो प्रपोज टू इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन सिल्वर डोर बार्स एंड आर्टिकल टू अलाइन देम विद दैट ऑन द गोल्ड एंड प्लेटिनियम। तो इसमें है सोने के डोरे और बोरे और प्लेटिनियम पर सीमा शुल्क को इस राजकोषीय वर्ष में पहले बढ़ाया गया था। ठीक है, अब शुल्क को विभेदों को बढ़ाने के लिए उनमें बने सामानों में शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। चांदी के डोरों, बोरों और सामानों पर भी आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव करते हैं ताकि उनमें सोने और प्लेटिनियम के साथ संरक्षित किया जा सके। अब आते हैं मेटल्स के बारे में। टू फैसिलिटेट एबिलिटी फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर द स्टील सेक्टर एग्जेम्पशन फ्रॉम बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सी आर जी ओ स्टील्स फेरस स्क्रैप एंड निकल कैथोड इज बीइंग कंटिन्यूड। सो स्टील क्षेत्र के लिए कच्ची सामग्री की उपलब्धता सुगम करने के लिए सी आर जी ओ के स्टील विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री लौह स्क्रैप और निकिल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क छूट को जारी रखा जा रहा है। एंड कंपाउंडेड रबर, सिमिलरली द कंसेशनल बीसीडी फॉर 2.5% ऑन द कॉपर स्क्रैप इज आल्सो बीइंग कंटिन्यू टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर सेकेंडरी कॉपर प्रोड्यूसर हु आर मेनली इन द एमएसएमई सेक्टर। सो इसमें इसी प्रकार जो द्वितीयक तांबा उत्पादकों जो मुख्यतः एमएसएमई के क्षेत्र में हैं के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के हेतु कॉपर और स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बीसीडी को जारी रखा जा रहा है। सम्मिश्रित रबर, द बेसिक कस्टम ड्यूटी रेट ऑन कंपाउंडेड रबर इज बीइंग इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 25% और 30 रुपीज़ पर केजी विच एवर इज लोअर एट द पार विद दैट नेचुरल रबर अदर दैन लेटेक्स टू कर्व सरकमवेंटेशन ऑफ ड्यूटी। सो इसमें क्या है, शुल्क की परिवंचना को रोकने के लिए सम्मिश्रित रबर जो है जिसकी बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ा दिया गया है लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबर के बराबर 10% से 25% बढ़ा दिया गया है या 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी कम हो किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है सिगरेट। एंड सिगरेट में क्या है, नेशनल कालमटी कंटिजेंट ड्यूटी ऑन स्पेसिफाइड सिगरेट वाज लास्ट रिवाइज 3 ईयर अगो। दिस इज प्रपोज टू बी रिवाइज अपवर्ड वाइज अबाउट 16%। एंड विनिर्दिष्ट सिगरेटों में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क को 3 वर्ष पूर्व संशोधित किया गया था। इसमें लगभग 16% की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया है। एंड डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ है, नाउ कम टू डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल। दिस प्रपोजल एम टू मेंटेन द कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ टैक्सेशन फर्दर सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइज वेरियस प्रोविजन टू रिड्यूस द कंप्लेंस बर्डन प्रमोट द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट एंड प्रोवाइड टैक्स रिलीफ टू सिटीजन्स। प्रत्यक्ष प्रस्ताव पर इसमें प्रत्यक्ष कर के जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में है। इन प्रस्तावों में उद्देश्य कर संरचना की निरंतरता और स्थिर बनाए रखना है, अनुपालना भार को कम करने के लिए विभिन्न प्रावधानों और सरलीकरण और उन्हें युक्तिसंगत बनाना है, उद्यमिता की भावना को प्रोत्साहित करना है
और नागरिकों को कर राहत प्रदान करना है। एंड इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विस बाई मेकिंग कंप्लेंस ईजी एंड स्मूथ। आवर टैक्स पेयर्स पोर्टल रिसीव्ड अ मैक्सिमम ऑफ 72 लाख रिटर्न इन अ डे, प्रोसेस्ड मोर देन 6.5% एंड मोर देन 6.5 करोड़ रिटर्न्स दिस ईयर। एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज इन फाइनेंशियल ईयर एंड। तो इसमें है आयकर, आयकर विभाग अनुपालना को आसान और निर्बाध बनाने के लिए करदाता सेवाओं में सुधार करने के सतत प्रयास कर रहा है, और जो हमारे करदाता पोर्टल को एक दिन में अधिकतम 32 लाख रिटर्न प्राप्त हुए हैं, और इस पोर्टल में इस वर्ष 6.5 करोड़ रिटर्न संसाधित किए गए हैं, और औसत संसाधन अवधि के वित्तीय वर्ष 13, 14 और 93 दिवस से घटाकर अब 16 दिवस कर दिया गया है, और 45% रिटर्न 24 घंटे के अंदर संसाधित कर दिए गए हैं, और इसमें और सुधार करने का इरादा रखते हैं, और दाताओं की सुविधा हेतु अगली पीढ़ी के सामान्य आईटी रिटर्न फॉर्म लाने और साथ ही शिकायत निवारण तंत्र और सुदृढ़ करने की योजना बना रहा है। सो इट हैज़ बीन कॉन्स्टेंट एंडेवर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव टैक्स पेयर सर्विस बाई मेकिंग कंप्लायंस ईजी एंड स्मूथ। इसमें क्या करा गया है, जो टैक्स पेयर पोर्टल ने अभी जो रिसीव किया है मैक्सिमम ऑफ 70 लाख रिटर्न ए डे, प्रोसेस्ड मोर देन 65% करोड़ रिटर्न दिस ईयर, एवरेज प्रोसेसिंग पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 93 डेज इन फाइनेंशियल ईयर 13-14 टू 16 डेज नाउ, एंड 45% ऑफ रिटर्न वर प्रोसेस्ड विद 24 आवर एंड बी इंटेंडेड टू फर्दर इम्प्रूव दिस, रोल आउट अ नेक्स्ट जनरेशन कॉमन आई टी रिटर्न फॉर्म फॉर टैक्स पेयर कन्वीनियंस एंड आल्सो प्लान टू स्ट्रेंथन द ग्रीवियंस रिजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म। एमएसएमई प्रपोजल, देन एमएसएमई प्रपोजल पे आते हैं। एमएसएमई आर ग्रोथ इंजन फॉर ऑफ आवर इकोनमी, माइक्रो एंटरप्राइजेज विद द टर्न ओवर अप टू ₹2 करोड़ एंड सर्टेन प्रोफेशनल विद टर्न ओवर और अप टू ₹50 लाख कैन अवेल द बेनिफिट फॉर प्रिंसिप्टिव टैक्सेशन। आई प्रपोज टू प्रोवाइड एनहेंस लिमिट ऑफ 3 करोड़ एंड ₹75 लाख रेस्पेक्टिवली टू टैक्स पेयर हुज कैश रिसिप्ट आर नो मोर देन 5%। मोर एवर टू सपोर्ट एम एस एम ई इन टाइमली रिसिप्ट ऑफ पेमेंट्स, आई प्रपोज टू अलाउ डिडक्शन फॉर एक्सपेंडिचर इन करोड़ पेमेंट्स मेड टू देम ओनली वैन पेमेंट्स इज एक्चुअली मेड। तो MSME हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि का एक इंजन है। तो 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यम और 50 लाख रुपए तक के टर्नओवर वाले कुछ पेशेवर प्रकल्पित कराधना का लाभ उठा सकते हैं। इन सीमाओं को उन करदाताओं के लिए क्रमशः 3 करोड़ और 35 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है जिनकी नकदी प्राप्तियाँ 5% से अधिक नहीं है। इसके अलावा MSME का को समय पर भुगतान की प्राप्ति में सहायता करने के लिए उन पर व्ययित खर्चों के लिए कटौती तथा तभी अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया है जब उनका भुगतान वास्तविक रूप से कर दिया गया हो। कॉपरेशन इज अ वैल्यू टू चेरिस्ड एंड रियलाइज्ड आवर प्राइम मिनिस्टर्स गोल फॉर सहकार से समृद्धि एंड हिज रिजॉल्व टू कनेक्ट द स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन विद द स्पिरिट ऑफ अमृतकाल। इन एडिशन टू द मेजर्स प्रपोज इन पार्ट ए, अ स्लो ऑफ प्रपोजल फॉर द कॉपरेटिव सेक्टर। सहकारिता एक सराहनीय अवधारणा है जो हमारे प्रधानमंत्री के सहकार से समृद्धि के लक्ष्य को साकार करने के लिए सहकार की भावना को अमृतकाल की भावना से जोड़ने और उनकी संकल्प की सिद्धि हेतु भाग का में प्रस्तावित उपायों के अतिरिक्त सहकारिता क्षेत्र के लिए और भी कई प्रस्ताव हैं। एंड इसमें
फर्स्ट न्यू कोऑपरेटिव दैट कमेंस मैन्युफैक्चर इट इज स्टील 31/3/2024 शैल गेट द बेनिफिट ऑफ ए लोअर टैक्स रेट ऑफ 15% एज इज प्रेजेंटली अवेलेबल टू न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। इसमें प्रथमता दिनांक 31 तारीख है, तीसरा महीना है 2024। द विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने की वाली नई सहकारी समितियों को 15% की कम कॉपरेट कर दर का लाभ मिलेगा, जैसे कि नई विनिर्माण कंपनियों का वर्तमान में मिलता है। और सेकंड क्या है, सेकंड है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू शुगर कोऑपरेटिव्स टू क्लेम पेमेंट्स मेड टू शुगर केन फार्मर्स फॉर द पीरियड प्रीयर टू असेसमेंट ईयर 2016-17 एक्सपेंडिचर। दिस इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड दम विद द रिलीफ ऑफ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़। और द्वितीय में क्या है, चीनी सहकारी समितियों को निर्धारण वर्ष 2016-17 की अवधि के पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव कर किया है। इस प्रस्ताव से संभावित राहत 10,000 करोड़ रुपये की होगी। और थर्ड है इसमें प्रोवाइडिंग हायर लिमिट ऑफ 2 लाख रुपीज पर मेंबर फॉर कैश डिपॉजिट टू एंड लोन्स इन कैश बाई प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। सो यहाँ पे बताया गया है कि जो थर्ड नंबर पे उन्होंने बताया, तृतीय में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियाँ जिसको बोलते हैं प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स, इनको शॉर्ट में बोलते हैं प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, इसको पिकार्ड बीज। तो इसमें क्या है, और प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों को नगद में दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख रुपए प्रति सदस्य की उच्चतर सीमा प्रदान किया है। सिमिलरली हायर लिमिट फॉर 3 करोड़ फॉर TDS ऑन कैश विदड्रॉल इज बींग प्रोवाइड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसी प्रकार से सहकारी समितियों को TDS के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ रुपये की उच्चतर सीमा प्रदान की गई है। स्टार्टअप्स के बारे में आते हैं, एंटरप्रीनरशिप इज अ बैटल फॉर कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वी हैव टेकन अ नंबर ऑफ मेजर्स फॉर स्टार्टअप्स एंड दे हैव बॉर्न ए रिजल्ट। इंडिया इज़ नाउ द थर्ड लार्जेस्ट इको सिस्टम फॉर द स्टार्टअप्स ग्लोबली एंड रैंक सेकेंड इन इनोवेशन क्वालिटी अमॉन्ग मिडल इनकम कंट्रीज। आई प्रपोज टू एक्सटेंड द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर इनकम टैक्स बेनिफिट स्टार्टअप्स फ्रॉम 31st 3rd month 2023 to 31st 3rd month 2024। आई फर्दर प्रपोज टू प्रमोट द बेनिफिट Propose to provide benefit of carry forward for losses on change of shareholding of startups from 7 year in incorporation of 10 year. So they देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम बोलते हैं कि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और उनके परिणाम भी निकले हैं। भारत में वर्तमान में वैश्विक रूप से स्टार्टअप के लिए तीसरी सबसे बड़ी इको सिस्टम है और मध्यम आय के देशों के बीच नवाचार गुणवत्ता में इसका दूसरा स्थान है। स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31 तारीख है, तीसरा महीना 2023 से बढ़ाकर 31 तारीख 31 तारीख तीसरा महीना 2024 यानी कि 1 साल के लिए फर्दर बढ़ा दिया गया। आई फर्दर प्रपोज प्रोवाइड द बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ चेंज ऑफ शेयर होल्डिंग स्टार्टअप्स फ्रॉम 7 ईयर फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन टू 10 ईयर। इसके अलावा स्टार्टअप की शेयर धारिता में परिवर्तन पर हानियों के अग्रणन के लाभ को निगमन के 7 वर्ष में 10 वर्ष तक प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। Appeals to reduce the pendency of appeals at commissioner level and propose to deploy about 100 joint commissioner for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny for returns already received this year. आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने
में छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती की गई का प्रस्ताव रखा गया है, और इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरण की जांच के लिए चुनने हेतु और अधिक सिलेक्टिव होंगे। आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव किया है, और इस वर्ष पहले से ही प्राप्त विवरणियों को जांच के लिए चुनने हेतु अधिक सिलेक्टिव रहेंगे। उसके बाद में आते हैं बेटर टारगेटिंग ऑफ टैक्स कंसेशंस एंड फॉर बेटर टारगेटिंग फॉर टैक्स कंसेशन एंड एग्जम्पशंस आई प्रपोज टू कैप डिडक्शन फ्रॉम द कैपिटल गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट इन रेसिडेंशियल हाउस अंडर द सेक्शन 54 एंड 54F टू ₹10 करोड़। अनदर प्रपोजल विद अ सिमिलर इंटेंट इज टू लिमिट द इनकम टैक्स एग्जम्पशन फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद अ वेरी हाई वैल्यू। सो कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54 के तहत आवासीय गृहों के लिए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी उद्देश्य से दूसरा प्रस्ताव अत्यधिक मूल्य वाली बीमा पॉलिसियों के आय की आयकर छूट को सीमित करना है। रैशनलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युक्ति संगत बनाना, युक्तिसंगत बनाना और सरलीकरण से संबंधित कई प्रस्ताव हैं। आवासन, शहरों, नगरों और गांवों के विकास या किसी गतिविधि अथवा मामले को विनियमित और विकसित करने के उद्देश्य से संघ तथा राज्यों के कानूनों के तहत स्थापित प्राधिकरणों, बोर्डों और आयोग की आय को आयकर से छूट देने का प्रस्ताव है। इस दिशा में अन्य प्रमुख उपाय निम्नानुसार थे, जिसमें आप देख सकते हैं रिमूविंग द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ 10,000 ऑफ TDS एंड क्लियरिफाइंग टैक्सीबिलिटी रिलेटिंग टू ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन खेल जो होते हैं उनके लिए TDS 10,000 रुपये की न्यूनतम सीमा को हटाना है तथा उसमें संबंधित कर देता प्रावधानों को स्पष्ट करना है। नॉट ए ट्रेडिंग कन्वर्जन ऑफ गोल्ड इंटू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट एंड वाइस वर्सा एज ए कैपिटल गेन। सोने को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में और विलोमतः परिवर्तन करने को पूंजीगत लाभ के रूप में नहीं माना जाना। रिड्यूसिंग द TDS रेट फ्रॉम 30% टू 20% ऑन टैक्सेबल पोर्शन ऑफ EPF विदड्रॉल इन नॉन पैन केसेस। सो गैर पैन मामलों में EPF आहरण जो है उसके कर को योग्य भाग पर TDS दर को 30% से घटाकर अब 20% कर दिया गया है, और मार्क्ड लिंक्ड डिवेनर से प्राप्त आय पर करा देना। टैक्सेशन ऑफ इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम मार्केट लिंक्ड डिवेंचर्स। अदर्स में आता है द मेजर प्रपोजल इन द फाइनेंस बिल रिलेटेड द फॉलोइंग। अब इसमें आता है वित्त विधेयक में अन्य मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित संबंधित है। तो सबसे पहला है एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ टैक्स बेनिफिट टू फंड फ्रॉम रिलोकेटिंग टू IFSC गिफ्ट सिटी टिल 31st 3rd month 2025। सो IFFC गिफ्ट सिटी को अंतरित विधियों के कर लाभों की अवधि को 31 तारीख 3rd महीना 2025 तक बढ़ा दिया गया है। आयकर अधिनियमों की धारा 276 का के तहत गैर अपराधिकरण और IDBI बैंक के सहित रणनीतिक विनिवेश मामले में हानियों को अग्रणित करना है, और अग्निवीर निधि को EEEE स्तर पर बढ़ावा देना है। सो प्रोवाइडिंग EEEE स्टेटस टू अग्निवीर फंड। पर्सनल इनकम टैक्स व्यक्तिगत आयकर है। अब ये बात बताई गई जिसमें सबको इंतजार है व्यक्तिगत आयकर। इस संबंध में 5 प्रमुख घोषणाएं करनी है। ये मुख्यतः हमारे परिश्रमी मध्यम आय वर्ग के लाभ के लिए है। सो
पहली घोषणा रिबेट संबंधित है। वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्थाओं में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति किसी प्रकार के आय का भुगतान नहीं करते, और जो रिबेट की सीमा को नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्ति को कोई कर भुगतान नहीं करना होगा। दूसरा प्रस्ताव मध्यम आय वर्ग से संबंधित है। वर्ष 2020 में 2.5 लाख रुपए से शुरू करते हुए 6 आयकर स्लेब वाली नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था शुरू की थी। स्लेबों की संख्या घटाकर 5 करते हुए और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए करते हुए इस व्यवस्था में कर संरचना का बदलने का प्रस्ताव किया है। कर की नई दरें निम्नानुसार होंगी। ₹3 लाख 0 से 6 लाख रुपए 5%, 6 से 9 लाख रुपए 10%, 9 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20% एंड 15 लाख रुपए से ऊपर 30%। इससे नई कर व्यवस्था में सभी कर प्रदाताओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 9 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए का भुगतान करना होगा। यह उसकी आय का केवल 5% है। यह अब उसके द्वारा भुगतान किए जा रहे अर्थात 60,000 पर 25% की कटौती है। इसी प्रकार 15 लाख रुपए की आय वाले किसी व्यक्ति को केवल 1.5 लाख रुपए या उसकी आय का 10% भुगतान करना होगा, जो कि उसकी मौजूदा देयता अर्थात 1,87,500 से 20% रुपए की कटौती है। और इसमें तीसरा प्रस्ताव था वेतन भोगी वर्ग और पारिवारिक पेंशन भोगी सहित पेंशन भोगी वर्गों के लिए, जिनके लिए मानक कटौती लाभ को नई कर व्यवस्था में भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया है। प्रत्येक वेतन भोगी व्यक्ति जिसकी आय 15.5 लाख रुपीज़ है या इससे अधिक है को परिणाम स्वरूप 52,500 का भुगतान करना होगा। व्यक्तिगत आयकर में चौथी घोषणा हमारे देश की अधिकतम कर की है, जो कि 42.74% से संबंधित है। ये विश्व में सबसे अधिक दरों में से एक है और नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार को 37% से घटाकर 25% का प्रस्ताव किया गया। इसके परिणाम स्वरूप अधिकतम कर दर घटाकर 39% हो जाएगी। अंततः गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश के नकदीकरण पर 3 लाख रुपए तक की सीमा की छूट अंतिम बार वर्ष 2022 में नियत की गई थी, जब सरकार में अधिकतम मूल वेतन 30,000 रुपये प्रति माह था। सरकारी वेतन में वृद्धि के अनुरूप में इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने का उनमें प्रस्ताव किया है। और डिफॉल्ट कर व्यवस्था के रूप में नई कर व्यवस्था भी बना रहे हैं, तथापि नागरिकों को पुरानी कर व्यवस्था का लाभ उठाने का विकल्प भी जारी रहेगा। इनके अलावा अनुबंध में दिए गए अनुसार और परिवर्तन भी किए जा रहे हैं। इन प्रस्ताव में परिणाम स्वरूप लगभग 38,000 करोड़ रुपये, जिसमें से 37,000 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष करों की तथा 1,000 करोड़ रुपये जो अप्रत्यक्ष करों के राजस्व की प्रत्यक्त किया जाएगा, जबकि लगभग 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया जाएगा। इस प्रकार कुल वार्षिक प्रत्यक्ष राजस्व लगभग 35,000 करोड़ रुपीज होगा। माननीय अध्यक्ष मोहन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, बाकी कुछ चीज़ें हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अवर वीडियो। Thank you.